हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MK Smart Classes में। दोस्तों आज की हमारी क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में इस खेल से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो दोस्तों क्लास को एंड तक जरूर देखना, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ है, और दोस्तों कौन से क्रम का खेल है, तो दोस्तों ये 36वें नंबर का खेल है, ठीक है। और दोस्तों यह खेल कब शुरू हुआ, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल 2022 में जो शुरू हुआ है वो 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यह खेल चला, ठीक है, यह खेल चला, ठीक है दोस्तों। ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक यह खेल चला, ठीक है। और दोस्तों ये खेल हुआ वह दोस्तों कहाँ हुआ, तो दोस्तों इसकी मेजबानी किसने की थी, ठीक है। तो इसकी मेजबानी, ठीक है, मेजबानी, ठीक है, गुजरात ने की थी, गुजरात राज्य ने की थी, ठीक है, गुजरात राज्य ने की थी, ठीक है। यानी कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में खेला गया वह कब खेला गया, 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यह खेल खेला गया, ठीक है। और दोस्तों ये इसकी मेजबानी, यानी कि दोस्तों ये खेल कहाँ खेला गया, यानी कि इसकी मेजबानी किसने की थी, तो दोस्तों इसकी मेजबानी गुजरात राज्य ने की थी। और दोस्तों गुजरात राज्य के 6 शहरों में, ठीक है दोस्तों, 6 शहरों में यह खेल खेला गया था, ठीक है। और दोस्तों जो इस 6 शहरों में खेला गया था, और दोस्तों इस खेल की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, ठीक है। यानी कि जो ये राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ, ठीक है, ये गुजरात के 6 शहरों में खेला गया था। दोस्तों जो इन खेल की जो शुरुआत हुई थी यह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हुई थी, ठीक है। और दोस्तों जो गुजरात के 6 शहर हैं, तो वो 6 शहर कौन से, तो उनके बारे में बात करते हैं। इनकी शुरुआत अहमदाबाद से हुई, तो पहला शहर तो होगा अहमदाबाद, तो पहला तो होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में से पहला होगा अहमदाबाद। दूसरा है दोस्तों गांधीनगर, ठीक है। तीसरा है दोस्तों सूरत, ठीक है। चौथा है वडोदरा, ठीक है, और पांचवा है राजकोट, और छठा है भावनगर, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ वह 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक यह खेल चला, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो मेजबानी, यानी कि दोस्तों कौन से राज्य में खेला गया, तो दोस्तों यह गुजरात में खेला गया था, ठीक है। इसकी मेजबानी गुजरात राज्य ने की थी। और दोस्तों जो गुजरात राज्य के 6 शहरों में यह खेल खेला गया था, ठीक है। और दोस्तों गुजरात के 6 शहरों में इनकी शुरुआत पहले कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों इनकी शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से हुई थी, ठीक है। और इन 6 शहरों के दोस्तों पहला नाम आता है इसमें अहमदाबाद, दूसरा गांधीनगर, तीसरा सूरत, चौथा बड़ोदर, और पांचवा राजकोट, और छठा भावनगर, ठीक है। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी कि ये खेल कब हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है, और इनकी शुरुआत कहाँ हुई। अब दोस्तों हम इस राष्ट्रीय खेल के शुभंकर
और थीम सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ तो इसके शुभंकर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले शुभंकर, ठीक है। दूसरा लिखते हैं यहाँ पर थीम सॉन्ग, यहाँ पर लिखते हैं थीम, ठीक है। तीसरा लिखते हैं यहाँ पर थीम सॉन्ग, यानी कि इसका शुभंकर क्या था, इसकी थीम क्या थी, इसका थीम सॉन्ग क्या था, इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ इसका शुभंकर सावध था, ठीक है। सावध, सावध दोस्तों गुजरात में, गुजराती भाषा में सावध बोलते हैं और इसको हिंदी में शेर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसका शुभंकर क्या था, शेर, ठीक है। और गुजराती भाषा में अगर आ जाए तो सावध होगा, ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, और इस खेल की थीम है खेल में एकता का उत्सव, ठीक है, एकता का उत्सव। और दोस्तों जो इस खेल का जो थीम सॉन्ग था तो वह क्या था, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, ठीक है। यह इसका थीम सॉन्ग था, जीतेगा इंडिया, ठीक है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, यह इसका थीम सॉन्ग था। और दोस्तों जो ये थीम सॉन्ग है ना ये किसने गाया, इसका गायक कौन है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं गायक, ठीक है, सुखविंदर, ठीक है, सुखविंदर इसका गायक है, ठीक है दोस्तों, सुखविंदर सिंह। और दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है ना ये कौन से क्रम का खेल है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये 36वें नंबर का, 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल है। यानी कि दोस्तों ये कौन से क्रम का खेल है, ये 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। और दोस्तों इस 36वें नंबर में दोस्तों 5 नए खेल जुड़े गए हैं, ठीक है। कितने खेल नए जुड़ गए, 5 नए खेल जुड़ गए, 5 नए खेल, 5 नए खेल जुड़ गए हैं, खेल जुड़े गए हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों, पहला है योगासन, योगासन, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मलखम, मलखम, ठीक है, मलखम्ब, ठीक है, यहाँ पर ब है। और तीसरा है, तीसरा है रोलर स्केटिंग, रोलर, रोलर स्केटिंग, स्केटिंग। चौथा है सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्ट टेनिस। और पांचवा खेल जोड़ा गया था दोस्तों सॉफ्ट बॉल, ठीक है, सॉफ्ट बॉल। और दोस्तों जो 36वें नंबर का राष्ट्रीय खेल हुआ था इसमें दोस्तों है ना 36 इवेंट हुए थे। कितने हुए इवेंट हुए थे दोस्तों, 36 इवेंट हुए थे, ठीक है, इवेंट हुए थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ इसका शुभंकर क्या है, तो सावध, ठीक है, सावध का दोस्तों शेर, ठीक है, गुजराती भाषा में इसको सावध बोलते हैं। इसकी थीम क्या है, तो दोस्तों इसकी थीम है खेल में एकता का उत्सव, ठीक है। और इसका थीम सॉन्ग क्या है, तो दोस्तों इसका थीम सॉन्ग है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और दोस्तों ये दो थीम सॉन्ग है ना किसने गाया, तो सुखविंदर सिंह ने गाया था, ठीक है, इसका गायक कौन है, सुखविंदर सिंह। और दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ ना, ठीक है, वो कौन से नंबर का राष्ट्रीय खेल है, तो दोस्तों 36वां नंबर का राष्ट्रीय खेल है। और दोस्तों इस 36वां नंबर राष्ट्रीय खेल में दोस्तों 5 नए खेल जुड़े हैं, ठीक है, पहला है योगासन, दूसरा है मलखम, तीसरा है रोलर स्केटिंग, और चौथा है सॉफ्ट टेनिस, और पांचवा है सॉफ्ट बॉल। और दोस्तों इस 36वें नंबर राष्ट्रीय खेल में दोस्तों 36 इवेंट हुए थे, ठीक है, कितने इवेंट हुए थे, 36, 36 नंबर गया, तो दोस्तों इसमें 36 इवेंट हुए थे, यह याद रखना। तो दोस्तों 36वां राष्ट्रीय खेल के बारे में और आगे बढ़ते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। और दोस्तों ये 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ तो दोस्तों अंतिम बार कब हुआ, ठीक, इसको बार बात करते हैं। तो अंतिम बार, अंतिम बार, अंतिम बार, ठीक है, 2015 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, कहाँ हुआ था, केरल में, ठीक है। ये अंतिम बार कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल में 2015 में हुआ था, ठीक है। और 2020 में
ठीक है, 2020 में ये राष्ट्रीय खेल गोवा में होना था, ठीक है, गोवा में होना था, ठीक है, लेकिन होना था लेकिन दोस्तों कोविड-19 की वजह से, ठीक है, कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, ठीक है। यानी कि अंतिम बार 2015 में केरल में हुआ था, ठीक है, और 2020 में गोवा में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये वापस कब हुआ दोस्तों, 2022 में, यानी कि 2015 से लेकर, 2015 से, ठीक है, 2022, ठीक है, यानी कि लगभग, यानी पूरे 7 साल बाद, 7 साल बाद ये राष्ट्रीय खेल हुआ है, ठीक है, 7 साल बाद ये राष्ट्रीय खेल हुआ है, ठीक है, खेल हुआ है। और दोस्तों ये कहाँ खेला गया, गुजरात में, अभी बताया ना मैंने, गुजरात में, और गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहरों में हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अंतिम बार यानी कि 35वां, यानी कि 35वां राष्ट्रीय खेल कब हुआ, तो 35वां हो गए दोस्तों 2015 में, और 36वां हो गए दोस्तों ये गुजरात में, ठीक है, और जो 37वां होगा, ठीक है, जो 37वां राष्ट्रीय खेल, 37वां राष्ट्रीय खेल होगा वो दोस्तों कहाँ होगा, ठीक है, तो वो दोस्तों वो गोवा में होगा, कहाँ होगा, गोवा में, गोवा में, गोवा में होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल है ना वो 35वां अंतिम बार 2015 में हुआ था, कौन से नंबर का था, 35वें नंबर का, जो अभी 2022 में हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है, ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में हुआ है। वो कितने साल बाद हुआ है, ये 7 साल बाद हुआ है। 35वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, ठीक है, वो गोवा में होगा। और लेकिन दोस्तों ये 2020 में होना था परंतु दोस्तों कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। और दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ, तो किस किसी ने कौन कौन से पदक जीते, तो उसके बारे में बात करते हैं, और कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर सर्विसेज स्पॉट कंट्रोल टीम, ठीक है, ये दोस्तों इंडियन आर्मी की टीम है, इंडियन आर्मी की टीम है, ठीक है, इंडियन आर्मी की टीम है जो दोस्तों प्रथम स्थान पर रही, ठीक है। और द्वितीय स्थान पर कौन रहा, ठीक है, तो द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा, ठीक है, महाराष्ट्र, यानी कि दोस्तों प्रथम स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल टीम, दोस्तों ये इंडियन आर्मी की टीम है, ठीक है, और इंडियन आर्मी की टीम है, और द्वितीय स्थान पर दोस्तों महाराष्ट्र रहा। और दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ, तो इसमें राजस्थान की रैंक क्या थी, तो दोस्तों इसमें राजस्थान की रैंक, राजस्थान, ठीक है, इसमें राजस्थान की क्या रैंक थी, राजस्थान की रैंक, ठीक है, रैंक, तो दोस्तों इसमें राजस्थान की रैंक थी 20वें नंबर की, ठीक है, राजस्थान की 20वें नंबर की रैंक थी, रही थी। और दोस्तों इस खेल में राजस्थान के 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, खिलाड़ियों ने भाग लिया था, खिलाड़ियों, ठीक है, खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है, राजस्थान की तरफ से 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। और दोस्तों इन खिलाड़ियों ने 3 तो गोल्ड जीते, ठीक है, 3 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते, 3 सिल्वर, ठीक है, और 224 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कि गोल्ड, गोल्ड पदक, ठीक है, ये सिल्वर पदक, ठीक है, वो ये
काशी पदक, काश्य पदक। ठीक है। और दोस्तों राजस्थान ने कुल कुल 30 पदक जीते थे इस खेल में, कुल 30 पदक जीते थे। ठीक है, पदक जीते थे। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ, इसमें प्रथम स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल टीम, ठीक है, कंट्रोल टीम जो दोस्तों इंडियन आर्मी की टीम है वो प्रथम स्थान पर रही। और दोस्तों द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, ठीक है। और दोस्तों इसमें राजस्थान की हमारी रैंक क्या थी, 20 नंबर की रैंक थी। और दोस्तों इस खेल में राजस्थान के 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 30 पदक जीते थे। ठीक है, जिनमें दोस्तों 3 तो गोल्ड जीते थे और 3 सिल्वर जीते थे और 24 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीते थे। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि राजस्थान 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 ओलंपिक, ठीक है, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामा अवतार। ठीक है, रामा अवतार सिंह जांगड़। ठीक है, रामा अवतार सिंह जांगड़। ठीक है। और दोस्तों राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक संघ के चेयरमैन कौन है? ठीक है, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चेयरमैन कौन है दोस्तों? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनिल व्यास। ठीक है, अनिल व्यास। तो दोस्तों ये हर बार पूछा जाता है कि राजस्थान ओलंपिक संघ के सदस्य कौन है और राजस्थान ओलंपिक सदस्य के चेयरमैन कौन है? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात, जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ, तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से, ठीक है, ध्वजावाहक किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजस्थान की तरफ से दोस्तों ध्वजावाहक किया था। ठीक है, ध्वजा वाक, ठीक है, दोस्तों ध्वजा वाक में किसका नाम आता है? रजत चौहान का। ठीक है, रजत चौहान ने राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की तरफ से ध्वजावाहक किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों जो रजत चौहान है ना, ये किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है, तीरंदाजी है, तीरंदाजी खेल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल हुआ है, जो राजस्थान के किस किस खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक जीते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब दोस्तों इस राष्ट्रीय खेल में, 36वां राष्ट्रीय खेल में दोस्तों राजस्थान की तरफ से प्रथम मेडल किसने जीता? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजस्थान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से प्रथम मेडल, ठीक है, मेडल किसने जीता? तो राजस्थान की तरफ से प्रथम मेडल नितेश पुनिया ने जीता था। ठीक है, नितेश पुनिया ने जीता था, पुनिया ने जीता था। ठीक है। और दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि जो नितेश पुनिया ने, ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इनके खेल का नाम है हैमर थ्रो, हैमर थ्रो। इस खेल का क्या नाम है दोस्तों? हैमर थ्रो इस इनके खेल का नाम है। ठीक है। और दोस्तों नीतीश पुनिया ने हैमर थ्रो 67.27 मीटर, ठीक है, 67.27 मीटर तक दोस्तों इन्होंने ये हैमर थ्रो फेंका था। ठीक है, फेंका था। और दोस्तों जो इन्हें नीतीश पुनिया ने जो मेडल जीता ना, ठीक है, यानी कि उसने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल, यानी कि राजस्थान की तरफ से प्रथम मेडल नितेश पुनिया ने लिया था। कौन सा लिया था? सिल्वर मेडल। एक किस खेल से संबंधित है? हैमर थ्रो। और हैमर थ्रो को दोस्तों इन्होंने कितने फीट तक फेंका, यानी कि कितने मीटर तक फेंका? तो 67.27 मीटर तक फेंका था। ठीक है। और दोस्तों राजस्थान के 3 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल और 24 कांस्य पदक के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान ने, राजस्थान ने, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल जीते, 3 गोल्ड
गोल्ड जीते, ठीक है गोल्ड जीते, ठीक है किस किस ने जीते इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पहला लिखते हैं, तो दोस्तों तो पहला गोल्ड किसने जीता था, कविता सिहांग ने, ठीक है कविता सिहांग ने जीता था। ठीक है इनका कौन सा खेल से संबंधित है दोस्तों, कविता सिहांग कौन से खेल से संबंधित है, तो साइकिलिंग से, ठीक है साइकिलिंग से, साइकिलिंग खेल से संबंधित है, ठीक है खेल से। और कितने किलोमीटर की कैटेगरी में था दोस्तों, तो 30 किलोमीटर की कैटेगरी में था, ठीक है यानी पहला कविता सियांग साइकिलिंग खेल से संबंधित है और 30 किलोमीटर की कैटेगरी से संबंधित एक गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरा गोल्ड किसने जीता था, और दूसरा गोल्ड मेडल इवान कपूर ने जीता था, ठीक है कपूर ने, ठीक है यानी दूसरा गोल्ड किसने जीता था, इवान कपूर ने। और इनका जो खेल से है, इनका ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो इनका खेल है शूटिंग, ठीक है शूटिंग से। और शूटिंग में दोस्तों कौन सी शूटिंग, शॉट गन, ठीक है शॉट गन, ठीक है शॉट गन से। और जो तीसरा गोल्ड जीता था, तो वो तीसरा गोल्ड किसने जीता था, तो तीसरा गोल्ड मुकेश चौधरी ने जीता था, ठीक है मुकेश चौधरी ने जीता था, ठीक है मुकेश चौधरी ने जीता था। और जो ये मुकेश चौधरी थे, इनका कौन से खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये है वुशु प्रतियोगिता से, ठीक है वुशु प्रतियोगिता से संबंधित है, प्रतियोगिता से संबंधित है, ठीक है संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों जो मुकेश चौधरी है ना, ये जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है ये जयपुर के रहने वाले हैं। और जो विवान कुमार है ना, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। और जो कविता सिंह है ना, ये दोस्तों बीकानेर जिले की, ठीक है बीकानेर, बीकानेर जिले के, ठीक है यानी राजस्थान ने दोस्तों 3 गोल्ड जीते थे। किस किस ने जीते, कविता सियांग, ठीक है ये बीकानेर। किस खेल से संबंधित है, साइकिलिंग खेल से, ठीक है 30 किलोमीटर की साइकिलिंग खेल से इसने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। दूसरा जो गोल्ड जीता था वो विवान कपूर ने जीता था, किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से, ये कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के। और तीसरा जो गोल्ड जीता मुकेश चौधरी ने जीता, ये वुशु प्रतियोगिता से खेल से संबंधित है और ये जयपुर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो थे राजस्थान के 3 गोल्ड मेडल। अब दोस्तों सिल्वर मेडल के बारे में बात करते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, राजस्थान ने 3 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है 3 सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है सिल्वर पदक जीते थे, ठीक है। पहला पहला तो दोस्तों पहला किसने जीता था, नीतीश पूनिया ने, ठीक है हेमवत रो खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहला नीतीश पूनिया, नीतीश पूनिया पूनिया, ठीक है। और दोस्तों जो नीतीश पूनिया है, ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो इनका ये इनका खेल है दोस्तों हैमर थ्रो, हैमर थ्रो। और इन्होंने 67.27 मीटर तक ये हैमर थ्रो फेंका था, ठीक है। और इन्हें कौन सा पदक जीता, सिल्वर पदक जीता। दूसरा किसने जीता था दोस्तों, और दूसरा जीता था तनुश्री ने, ठीक है तनुश्री ने जीता था। तनुश्री है ना, कौन से खेल से संबंधित है, तो इनका खेल है जेवलियन थ्रो, जेवलियन थ्रो, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला सिल्वर किसने जीता था, नीतीश पुनिया ने। दूसरा सिल्वर किसने जीता था, तनुश्री ने। ये कौन से खेल से संबंधित है, हेप जेवलियन थ्रो से, ठीक है। अब तीसरा पदक, तीसरा पदक किसने जीता था दोस्तों, करण सिंह ने, ठीक है करण सिंह ने तीसरा सिल्वर मेडल जीता था। और दोस्तों इनका जो खेल है, इनका कौन सा खेल से संबंधित है, ये तलवारबाजी से, ठीक है तलवारबाजी से। तो दोस्तों जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ था, इसमें राजस्थान ने 3 तो गोल्ड जीते थे, जिसमें दोस्तों पहला गोल्ड कविता सिंह ने जीता था, दूसरा विवान कपूर ने, और तीसरा मुकेश चौधरी ने, ठीक है। 3 सिल्वर पदक जीते थे, जिसमें दोस्तों पहला नीतीश पुनिया ने जीता था, कौन से खेल से संबंधित है, हेमवत रो, कितना फेंका था दोस्तों 67.27 मीटर।
दूसरा मेडल किसने जीता था? तनुश्री। यह कौन से खेल से संबंधित है? यह जेवलिन थ्रो। और तीसरा कौन सा है दोस्तों? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी से। ठीक है, ये तलवारबाजी से संबंधित है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की एकमात्र मात्र महिला, ठीक है ये दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि तनुश्री एकमात्र महिला है जो जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है ठीक है। और दोस्तों राजस्थान ने 24 कांस्य पदक जीते थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो राजस्थान ने राष्ट्रीय खेल में, राजस्थान ने 24 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, तो जो 24 पदक जीते थे इसमें 8 पदक, ठीक है 8 पदक तो टीम ने जीते थे। और दोस्तों जो 16 पदक है ना, वो 16 पदक खिलाड़ियों ने जीते थे। 16 पदक खिलाड़ियों ने जीते थे। यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने 24 कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें 8 तो टीम ने जीते थे और 16 पदक दोस्तों खिलाड़ियों ने जीते थे। और दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इसमें राजस्थान की तरफ से कितनी महिलाओं ने भाग लिया? यानी कि राजस्थान की तरफ से यानी कि 6 महिलाओं ने भाग लिया था। 6 महिलाओं ने भाग लिया। तो दोस्तों इन 6 महिलाओं को मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में महिलाओं के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो ओलंपिक मैच हुए थे उसमें महिला से संबंधित ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, तो यहाँ पर मैं 6 महिलाओं का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों पहले नहीं है प्रीति कुमारी। ठीक है दोस्तों, इनका खेल है कुश्ती। कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती। और दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और दूसरी जो महिला है दोस्तों, ललिता ललिता ठीक ललिता ठीक है। और दोस्तों इनका जो खेल है वो बॉक्सिंग, ठीक है बॉक्सिंग खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग ठीक है। और दोस्तों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। ठीक है, और तीसरे है दोस्तों जन्हावी महंस, महंस ठीक है। दोस्तों इनका खेल है वुशु प्रतियोगिता, वुशु प्रतियोगिता योग्यता ठीक है। और दोस्तों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता। चौथी महिला है निकिता बांसल, ठीक है इनका भी गेम है दोस्तों वुशु प्रतियोगिता ठीक है। और दोस्तों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। और दोस्तों पांचवी है मोनिका, ठीक है दोस्तों इनका खेल कौन सा है दोस्तों? कुश्ती, कुश्ती से ठीक है। और दोस्तों इन्होंने भी कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। और दोस्तों छठे नंबर की महिला कौन है दोस्तों? ये आप बताओ, मैंने पहले बताया था ठीक है। तो दोस्तों छठी महिला है तनुश्री, तनुश्री दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है ठीक है, ये तनुश्री इम्पोर्टेंट है ठीक है। इनका दोस्तों कौन सा खेल है? जेवेलियन थ्रो, जेवेलियन थ्रो ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ठीक है दोस्तों। ये एकमात्र महिला है दोस्तों जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों तनुश्री इम्पोर्टेंट होगा ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों इनका कौन सा खेल है? जेवलिन थ्रो। इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था ठीक है, सिल्वर पदक जीता था।
तो दोस्तों मेरे हिसाब को जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में हुआ था उनकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों मैं राजस्थान के बारे में बताया कि राजस्थान ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते और कितने कांस्य पदक जीते। और दोस्तों खिलाड़ी के बारे में भी मैंने अच्छे से बात की कि दोस्तों कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ठीक है, और कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।